50 करोड़ का ऑफर दिया था तेज बहादुर को वाराणसी से चुनाव ना लड़ने के लिए। ये कहना है तेज बहादुर का। बीएसएफ के बर्खास्त जवान व सपा बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी रूप में पर्चा खारिज होने के बाद तेज बहादुर यादव ने एक बड़ा बयान देके सबको हैरत में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया था चुनाव ना लड़ने के लिए। तेज बहादुर यादव ने यहां भाजपा पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने वाराणसी से चुनाव ना लड़ने के लिए उसे 50 करोड़ का ऑफर दिया था और दबाव भी बनाया था। तेज बहादुर ने बताया कि पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने के बाद जब वह घर पहुंचे तो वहां आए भाजपा के लोगों ने 50 करोड़ का ऑफर दिया था। ऑफर देने वालों का नाम उन्होंने बताने से इनकार करते हुए कहा कि वह शातिर लोग हैं, नाम खोलने पर उनकी हत्या कराई जा सकती है। नामांकन खारिज होने के बाद उन्होंने कहा कि पहले से ही आशंका थी कि नामांकन खारिज कराने के लिए भाजपा सारे हथकंडे अपनाएगी, इसलिए ही मेरे साथ शालिनी यादव गठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। तेज बहादुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे बर्खास्त कराया है। जब उनके बेटे की हत्या हुई थी तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जब भी जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ पर्चा भरकर उनको भारी वोटों से परास्त करूंगा। और ये सपना तेज बहादुर का अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है राजनीति के अंदर नई नई परिवर्तन रोज देखने को मिलते हैं। तेज बहादुर के इस बयान से जरूर सनसनी मच गई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।